एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो वीडियो में गुड मॉर्निंग का टाइम है, पर जब आपके पास ये व्लॉग पहुंचेगा तो उस टाइम शायद गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग में से वो हो रहा होगा। तो मैंने सुखाए अपने शूज़, क्योंकि मैंने आज शूज़ धुले थे काफ़ी टाइम के बाद, और धूप तो आप देख ही सकते हैं, तो ऐसी धूप का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। बहुत सारे कपड़े भी धुले और शूज़ भी धुल दिए, अब मैं भी नहा ली। बाद तुरंत पहला काम रहता है घर में पॉजिटिविटी लाना, और वो आएगी दियाबाती से। तो सुबह ही सुबह दियाबाती करा, पूजा करी, और मैं आ गई नीचे। और मैं यहाँ पर दीप में जला रही थी 2 कपूर + 2 लौंग फॉर द पॉजिटिविटी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, इट ब्रिंग्स पॉजिटिव वाइब्स इनटू द हाउस। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों ने देखा, मैं अभी आई हूँ पूजा करके और नहा धो लिया है। ऑब्वियसली पूजा कर लिया तो नहा धो लिया है, और अभी थोड़ा नाश्ते पानी की तैयारी करते हैं। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, वैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कल एक व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। घर आ गए थे हम लोग कल, और कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करा मैंने रास्ते वगैरह का या कल घर आने के बाद, क्योंकि क्या क्या ही रिकॉर्ड करना था ना, रास्ते में क्या दिखाती आप लोगों को। तो घर आ गए थे कल शाम के टाइम, आ गए थे हम 3-4 बजे के आसपास। उसके बाद फिर वही साफ़ सफाई में मैं और मम्मी लगे हुए थे, और अभी सुबह का टाइम हो गया है, दिन है शनिवार का, तारीख है आज 10 फरवरी। तो आगे देखती हूँ क्या करती हूँ, पूजा पाठ सब हो गया है, चलिए जो भी करूँगी वो तो आपको पता चल ही जाएगा। मैंने सोचा नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, नया दिन नई शुरुआत नया व्लॉग। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने कुछ ऐसे कुर्ता वगैरह डाला था, क्योंकि मौसम अब इतना ठंडा नहीं है। मतलब सुबह शाम की ठंड तो है, पर दिन में अच्छी खासी धूप हो जाती है, फिर से इतनी ठंड नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि ना आप लोग को भी दिखाऊं। तो सबसे पहले तो सॉक्स पहन लेती हूँ मैं, ठंडियों में मुझसे बिना सॉक्स के रहा ही नहीं जाता। जब नहाने जाऊँगी तब निकालती हूँ, नहाने के बाद पूजा वगैरह करने के बाद तुरंत सॉक्स पहनती हूँ, मेरे से बिना सॉक्स के नहीं रह जाता यार बिल्कुल भी। पहले मैं सॉक्स पहनती हूँ और फिर उसके बाद आगे का काम देखते हैं। मुझे तो ठंड भी खाली पैरों में और सर में लगती है, जो ये कान वाला एरिया होता है ना यहाँ पे और पैरों में, बस खाली। वैसे अब धीरे धीरे सर्दियाँ जा रही हैं, फरवरी तो हो ही गया, बस फरवरी और मान लो मार्च से तो सर्दियाँ ना के बराबर होती हैं, बहुत हल्की हल्की। लेकर आए थे हम ये फ्रूट्स बनाना शेक के लिए, बनानास एंड दीज आर द ऑरेंजेस। इनका भी अब कुछ ही टाइम बचा है बस। आज की ब्लॉगिंग गर्मी में ट्राइपॉड से, तो काफी सारे मतलब काफी सारे टाइम के बाद मैंने सोचा है, कुछ और बोलने वाली थी पर कुछ और बोल रही हूँ। तो काफी टाइम पहले ये मुझे गिफ्ट करा था रिया ने, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था मेरे बर्थडे गिफ्ट्स के टाइम पे, जब मेरा बर्थडे ब्लॉग आया था, नहीं देखा है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने ये ट्राइपॉड मुझे रिया ने दिया था, तो मैंने ये तब से यूज़ करा है, बट लाइक 2 या 3 बार, उसके बाद से ये रखा हुआ ही है। मुझे आलस आता है ट्राइपॉड खोलो फिर उसमें फ़ोन सेट करो, पर आज मैंने सोचा कि इस ट्राइपॉड के साथ ही ब्लॉगिंग करी जाए और आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करा जाए। तो बताना कुछ मतलब डिफरेंट लग रहा है कि वही डेली वाला लग रहा है कि कैमरा वैसी। तो चलिए आज हम बनाएंगे नाश्ते में आलू पालक की सब्जी, और आलू पालक की सब्जी मैं आज बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में। तो लोहे की कढ़ाई हम बहुत यूज़ में लेनी चाहिए, अच्छी होती है आयरन वगैरह गेन करने के लिए, ऐसा मैंने सुना है, बाकी तो पता चलेगा। तो ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, यूज़ नहीं कर रहे थे हम, तो आज मैं इसको अच्छे से वॉश करके इसी में सब्जी कुक करूँगी और टेस्ट का भी बताऊँगी आपको। हालांकि हमने करी है पहले इसमें यूज़ और टेस्ट वगैरह सब्जी वगैरह सब कुछ। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट विद हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स।
तो सर्दियों में हरी सब्जी खाना मुझे तो बहुत ही पसंद है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये मेरी प्लेट लग गई थी यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद, वैसे गिर गई मेरे, तो मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। मैं अपना ये लेने आई थी कवर के पीछे, पैसे रखती हूँ, अपने कवर लेने आई थी क्योंकि ट्राईपॉड में ना कवर के साथ फ़ोन नहीं आ पाता है। हटा के जब मैंने ट्राईपॉड पे लगाया था, अब मैं कवर लगा दूँगी फ़ोन में और बनाना शेक लूँगी। उसके बाद दिन तो मुझे पता है वैसे ही जाने वाला है जैसे डेली जाते ही हैं। तो चलिए फिर बनाना शेक दिखाती हूँ पहले आपको। तो ऊपर आई थी, हेयर ऑयलिंग कर लिए, अब जा रही हूँ नीचे। सोफे के कवर वगैरह सब धुले थे, लगाए नहीं फिर दूसरे कपड़े, बहुत सारे धुले हमने। ये देखो ये पूरा भरा हुआ है, ये फ्रूट्स। मुझे लग रही है प्यास, पहले भी लेती हूँ पानी बैठ कर आराम से। उस क्या है यार, छोटे जे ही जिंदगी नु खुल के जीवंगे, किस किस ने सुना है ये वाला गाना। मैं तो दिन में ही सो गई थी और सोकर उठने के बाद मैंने 3-3:30 के आसपास खाया था ये दाल और राइस। और मैं मम्मी से बैठकर यहाँ बात कर रही थी, एक्चुअली हम फोन में कुछ थोड़ा बहुत देख रहे थे तो उसी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। छत पर थोड़ा सा वॉक करने के लिए, और आप लोगों ने देखा पहले वाली वीडियो में कैसे धीरे धीरे आई हूँ, क्योंकि मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है और बंदर ना घूमते रहते हैं आजकल, आतंकवादी बंदर है आजकल, दाना हो गया है। कैप लगा के आई हूँ और दो चोटी बांध ली है मैं, दो चोटी इसलिए बांध ली क्योंकि अच्छी खासी ऑयलिंग करी हुई है तो क्यों ना इनका फ़ायदा उठाया जाए। वॉक कर लेती हूँ, कर रही हूँ इससे आजकल थोड़ा थोड़ा वॉक, अच्छा फील होता है मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ 10-15 मिनट से, तो मुझे कुछ दिखा। आप लोगों की वॉक हो जाएगी मेरे साथ में, आप लोगों को भी करा लूँ साथ के साथ। बंदरों का बहुत डर है मुझे, भाग जाऊँगी। इधर से आएंगे, इधर से आएंगे या फिर इधर से आएंगे, अब देखते हैं किधर से आएंगे। अब ये साथ तो पहले दिया लगा लेती हूँ और फिर चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर जो भी सब कपड़े धुले थे तो वही मम्मी फोल्ड करके रख रही थी। ये प्रेस वाले कपड़े रखे जा रहे थे इस तरीके से, जिन पे प्रेस नहीं लगती है वो ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं हम। और ये प्लांट हमने अंदर रखा हुआ था, इसी को मैं देख रही थी। साथ के साथ हो गया डिनर का टाइम, जिसमें थी आज मिक्स वेज, मिक्स वेज के नाम पर था आलू गोभी गाजर मटर मिक्स, सुबह की आलू पालक की सब्जी, सूजी की खीर प्लस चपातीज। तो हमने तो खाना खा लिया था, तो अब बारी थी ब्लैकी के खाने की। तो ब्लैकी बैठ के वेट कर रहा था, उसको मैंने आवाज़ दी और वो आया यहाँ पे खाना खाने। हाय एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग विद द सेम ब्लॉग, और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। रात मैंने आपने देखा होगा हेयर ऑयलिंग करी थी कल, तो छोटी बाल ली थी, तो अब मैं बाल धुल दिए हैं, नहाने जा रही हूँ, हेयर वॉश करूँगी। मैं अच्छा खा रहा, क्या टाइम हो रहा है मम्मी? 9:15 के आसपास का टाइम है। मैं नहाती हूँ, पूजा करनी है, मशीन लगा दी थी और
कपड़े धुल चुके हैं, काम भी सारा हो चुका है, तो फटाफट से काम निपटाती हूँ, निपटाती हूँ क्या निपट चुका है, नहाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए शुम। यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और मैंने सनस्क्रीन भी लगा लिया। अब मैं जा रही हूँ ऊपर पूजा करने के लिए और मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दें। जो भी छोटा ब्लॉग हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड करा है, वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और कपड़े फिर से धुल रहे हैं, फिर से मतलब जो थोड़े बहुत बचे हुए थे वो धुल रहे हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग में कुछ भी थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ एक शेयर से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, वीडियो को शेयर करें और आप जल्दी से 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए। चलिए फिर बाय।